हाँ जी वो आ रहा है, हमने उसको इधर अपनी आंखों से आते देखा है जैसा कि वो कह रहा था। अच्छा आने दियो, अब ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हाँ जी, जो काम आप आज करने जा रहे हैं ना वो बहुत पहले कर देना चाहिए था। ठीक बोलता है तुम, राख में दबा हुआ चिंगारी को हमने बुझाया नहीं, क्या पता था एक दिन ये चिंगारी शोला बन के हम सबको आग लगाने आ जाएगा। सर हम मिला अगर अफहम और तफहीम से हाल हो जाए तो अच्छा। ये जो तुमने बंदे बंदे मंगाए हैं इनको अपना काम आता है? हाँ जी, ये लोग सिर्फ बंदा मारता नहीं है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसे सफाया हस्ती से मिटा देता है। शाबाश। जायद खान का मौत का सुना सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला का यही मर्जी था। ये अल्लाह का कैसा मर्जी है? हाँ जी, अस्पताल होने के बावजूद भी बंद। अगर वहां पे डॉक्टर होता, अस्पताल खुला होता तो आज हमारे सर का ताज जिंदा होता, हमारे बेटे का बाप जिंदा होता। चोट बड़ा नहीं था खान जी, मगर अस्पताल में खून रोकने का कोई इंतजाम ही नहीं है। ये मौका ऐसा बातें करने का नहीं है, हम तो सिर्फ अफसोस करने के लिए आया था, अब चलता है। अच्छे दिनों में हम जिन मसलों पे बात नहीं करते उन्हीं मसलों की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। गोरा जर्मीने, तुमको अच्छी तरह जानता है कि मसला डॉक्टर का है, अगर डॉक्टर मिल जाए तो हम आज ही वो अस्पताल खोल देगा। हम तो तुम्हारा साथ है, सारा गांव तुम्हारा साथ है। हाँ जी, अगर गांव हमारा साथ होता तो हम 50 मील दूर पैदल जाके अपना इलाज ना कराता। गांव हमारा साथ नहीं है। ये वक्त ऐसा बातें करने का नहीं है, अब हम जाता है। जमीन शाहजेब की तबीयत खराब हो रहा है, वो उल्टियां खा रहा है। शाहजेब क्या हुआ है? माँ मेरे टांग पे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ यहाँ पे भी दर्द हो रहा है। बाप आप कुछ तो करे। जर्मीने इसे जिले के अस्पताल ले चलते हैं। चल चल अच्छा भी शाहजेब चल चल चल। आराम से बेटा, आराम से आराम से आराम से। शाबाश 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 मेरा बेटा। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर भी दर्द हो रहा है और यहाँ पर भी दर्द हो रहा है। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, दर्द सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है? शाबाश। डॉक्टर साहब कल जो इसके टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट आ गई। अच्छा क्या हो डॉक्टर, हमने सारा टेस्ट तो करा लिया, शाहजेब का बुखार उतरा कि नहीं? नहीं बुखार तो अभी नहीं उतरा, हम कोशिश कर रहे हैं मगर उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो बताओ ना इसमें क्या है? आपके बेटे को पोलियो हो गया। हमारे बेटे को
इसीलिए शाज़ेब का टांगों में दर्द होता था खुदाया। और शायद वो सारी जिंदगी न चल सके। हमारा एक ही बेटा है डॉक्टर, इसकी पैदाइश के बाद हमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम कभी दोबारा माँ नहीं बन सकता। अब अगर ये भी सारी जिंदगी नहीं चलेगा तो हमारा क्या होगा? हम तो माँ है ना उसकी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, तुम्हारी मिन्नत करता है, हमारे बेटे को ठीक करो, हमारा मदद करो। आपको उसको बरवक्त पोलियो के कतरे पिलवाने चाहिए थे, अब देर हो गई है, मुझे अफसोस है। हम तड़प तड़प के हमारे गांव में अस्पताल है उसको बोलो, उसको बोलते तो हमारा शोर का इलाज होता, वो आज जिंदा होता। हमारे शाज़ेब को पोलियो के कतरे मिलते, हमें ये वक्त ना देखना पड़ता। अरे गुलज़ाई, तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी। बस तू तो जानती है, बड़ी मुश्किल से मेरे शोहर ने अभी मुझे आने की इजाजत दी तो मैं आ गई। तू बता कैसी तबीयत है अब शाज़ेब की? तेरे सामने ही है, देख ले। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? रुक, तुझे पानी देती हूँ, ये ले पी पी। तबीयत ठीक है तेरी? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। पहले हफ्ते में 2 बार चक्कर आता था, अब दिन में 10 बार चक्कर आता है। अरे तुझे कितनी बार का ऐसे लेके डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कहाँ ठीक है, रंग देख, पीली पड़ गई है तू। पीली तो तू पड़ गई है, कैसा गुलाब जैसा तेरा चेहरा और गुलाब जैसा तेरा रंग था। लेकिन मैं हौसला तो नहीं हारी ना। कितना अरमान था तुझे इसको पढ़ाने का, बड़ा आदमी बनाने का। लोग मर जाते मगर अरमान और ख्वाब नहीं मरते, और तू देख मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगा और अपने बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर कैसे बनाएगी तू इसे डॉक्टर? यहाँ तो कोई ढंग का स्कूल भी नहीं है, जो है वो भी कोई 6 मील दूर, और तू इसे लेकर कैसे जाएगी? अब तो इसकी टांगे भी काम नहीं करती। हमारा हौसला और इसका जहन तो काम करता है ना, और टांगे हम बनेगा इसकी टांगे।
ये लो पानी पियो। आप रोज इधर आता है, सारा दिन बैठा रहता है, भूख नहीं लगता, कुछ खाता भी नहीं है आप। ना, हमको भूख नहीं लगता। हमारे एक बहन को काम का सिलसिले में कुछ औरतों का जरूरत है, अगर तुम काम करना चाहते हैं तो बता देना। अगर काम अच्छा होगा तो हम करेगा। ओहो, फिकर मत करो, काम नहीं की और इज्जत वाला है। अगर तुम काम करना चाहते हैं तो अभी तुमको उससे मिला देता है। हाँ, मेरा बहन बहुत अच्छा औरत है, आपका बहुत ख्याल रखेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरा वो बहन जिसे आपको मिलवाना था। तुम काम करना चाहती हो? जी। गांव में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने जाना है, वो तालाब वाला गांव है ना, वहाँ। ठीक है, पैसे तुम्हें काम होती ही मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ काम कैसे करना है, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, चलो मेरे साथ। जी। आओ। अब क्या किया उसने? अस्पताल को शोर मचा रहा है वो। एक तो वो हमको काम भी नहीं करने दे रहा। नहीं खान जी, वो पोलियो वाला लोग के साथ काम कर रहा है। हाँ। तालाब वाला गांव में जाके बच्चों को पोलियो का कतरा पिलाएगा। वो गांव गांव जाके बच्चों को पोलियो का कतरे पिलाएगा और एक एक को जाके हमारे बारे में सब कुछ बताएगा। खान जी, अभी जो किसी को मालूम नहीं है, फिर सबको मालूम हो जाएगा, फिर हमको ये जगह छोड़ना पड़ जाएगा। आओ कना। हमने उसको रुस्वा और बदनाम न किया ना तो हमारा नाम दिलावर खान ने। तुम जाकर उसको समझा, और क्या समझाना है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानता है। बाद में ये न बोलेगी दिलावर खान तुमने हमको मौका नहीं दिया। ऐसे ही होगा खान जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये दिलावर खान कौन होता है हमको बताने वाला कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना? देखो जरमीने, ये जो पोलियो वाला लोग है ना, ये अच्छा लोग नहीं है। अच्छा, ये जो पोलियो वाला लोग है ये अच्छा लोग नहीं है, जो बच्चों को कतरे पिलाता है जिसकी वजह से बच्चों का टांगे बचता है। तुम और दिलावर, जिसने अस्पताल पे कब्जा कर रखा है और पूरे गाँव का लोग मरता है, उनका जान जाता है, तुम लोग अच्छा है? देखो जरमीने, और बस करो, हम तालाब वाले गांव जाएगा और जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएगा, हम देखता है हमको कौन रोकता है। ये वाला। जरमीने, जरमीने, तुम्हारे बहन का तबीयत बहुत खराब हो गया था, उसका शोर उसको शहर वाले अस्पताल लेकर गए। उसका शोर बोला कि तुम जिधर भी हो हम तुमको बता दे। मेरे खुदाया, चलो चलो। अगर हम उसको लकड़ी नहीं देगा तो वो लकड़ी के साथ हमको दफन करेगा। जा जाके माल पूरा करो। जी खान जी। जी खान जी, जी खान जी। वो फिर आ गया खान जी, बड़ा शोर कर रहे वो। कौन? वही जो हमारा काम बंद करवा के इधर अस्पताल खोलना चाहता है। जरमीना, आओ क्या ना, बाहर मजमा लगा हुआ है खान जी, मजमा। लगता है गंदा मछली तालाब से निकालना पड़ेगा। तुम जाओ, जाके बैरोज को लेकर आओ। जाओ। ठीक है खान जी, बाहर निकलो। हम जरा इसको तो देख। दिलावर खान, दिलावर खान, बाहर निकल, निकल इस अस्पताल से बाहर, बाहर। देख दिलावर खान, हमारा बहन का तबीयत बहुत खराब है, तुम ये अस्पताल क्यों नहीं खुलने देता? अगर वो मर गया तो जिम्मेदारी किसका है? देखो, डॉक्टर साहब के बगैर अस्पताल नहीं खुल सकता। अगर हम लकड़ी का कारोबार बंद कर दे तो इन गरीबों के घर का चूल्हा बुझ जाए। ये इन गरीबों के घर का चूल्हा का बात नहीं है, चूल्हा तुम्हारे घर का बुझेगा, इनका नहीं लालची। देखो जरमीने, हम तुम्हारा औरत का वजह से बहुत इज्जत कर रहे हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम सर पे चढ़ता जाए। अपना धमकी अपने पास रखो और हमारे सवाल का जवाब दो। हम अपनी बहन को कहाँ लेके जाएं?
देखो जरमीने, ये तो अल्लाह का मर्जी है, इसमें कोई क्या कर सकता है। हमको मालूम है कि तुम्हारा बहन बहुत बीमार है और तुमको उसका बहुत अफसोस है। अफसोस नहीं है गांजी, हमको गुस्सा है। अगर ये अस्पताल खुला होता तो हमारा बहन का ये हाल ना होता। आज वो अपनी जिंदगी का आखिरी सांस गिन रहा है। कहाँ लेके जाऊं मैं अपनी बहन को? अगर मेरा बहन मर गया तो उसका जिम्मेदारी किसका है? जर्मीने, इज्जत से बात करो बड़ा खान जी। तुम्हारा जराम भी चाहता है कि अस्पताल खुले। अब डॉक्टर के बगैर तो अस्पताल नहीं खुल सकता है। और तुम अपना ये लकड़ी मकड़ी उठाओ यहाँ से। डॉक्टर आपने तुम्हारा बड़ा लिहाज किया है, लेकिन वक्त आ गया है कि हम तुम्हारा असलियत सबके सामने रख दें। क्या असलियत? कैसा असलियत? रखो, हम भी तो देखे तुम क्या बात करता है। तुम तालाब वाले गाँव में बच्चों को पोलियो का खतरा पिलाने के लिए जाता है। हाँ तो इसमें क्या बुरा बात है? तुमको ये मालूम नहीं है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है? ओ खान जी, उससे बच्चों का मजूरी खत्म होता है। मजूरी से बचता नहीं बल्कि माजूर होता है। ये पोलियो के खतरे पीने से हमारा नस्लें खत्म हो जाएगा। खान जी, आप भी ऐसा सोचता है? और तुम जर्मीने, तुम इस साजिश में उनके साथ शामिल हो गए? नहीं खान जी, नहीं, हमारा नस्लें बच जाएगा। वो सिर्फ हमारा नस्लें और हमारा मुस्तकबिल बर्बाद करना चाहता है। इतना तुम्हारा उम्र नहीं है जितना हमारा तजर्बा है। खान जी, ये सारे गांव का माहौल खराब कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अपनी जबान को संभाल के बात। सबूत है हमारे पास कि तुम दूसरा गांव में घर पर से मिला है कि नहीं। झूठ बोलता है तुम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे पे खाम का इल्जाम मत लगा। तुम इससे उस गांव में मिला था? हाँ जी, ये तो बैरोज है। और तुम इसके साथ दूसरे गांव भी गया था? आओ, गया था। ये उस गांव में हमको पोलियो का काम दिलवाने के लिए गया था। इसने तुमको पैसे दिलवाया था? पोलियो का पैसा था। तुमने पैसा लिया था? हाँ लिया था, काम का पैसा था हमारा। तो तुमने इसको बताया था कि तुम्हारा शौहर मर चुका है और तुम्हारे बच्चे को पोलियो है? आओ खाना, इसने पूछा, हमने बताया, इसमें कौन सा बड़ा बात है? तो तुम दूसरे गांव का गैर मर्द से बातें करता है? अभी तो तुम कह रहा था कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आजी, ये अगर इसके साथ मिल सकता है तो फिर ये किसी के साथ भी मिल सकता है। दिलावर खान, ये हमारा बरादरी का सूलों का खिलाफ है। ये गांव की औरतों को भड़का रही है। क्यों, हमने ठीक बोला कि नहीं? बात ये है कि हम तो जर्मीने, तालाब में अगर एक गंदा मछली गिर जाए तो वो सारा तालाब गंदा कर देता है। हाँ जी, फैसला तो आपने करना है। फैसला तो हम वही करेगा जो ऐसे मामलात में हमारे गांव का असूल है। हमारा गांव का औरत किसी गैर मर्द के साथ घूमे फिरे, ये हमारा गैरत गवारा नहीं करता है। शर्मीने, हम तुमको 24 घंटे देता है, ये गांव छोड़ दो। और अगर तुम आइंदा इस गांव में नजर आया ना, तो इस गांव के हर बच्चे का हक होगा कि वो तुमको पत्थर मार मार के यहाँ से निकाल दे। यही हमारा फैसला है और यही हमारे गांव का असूल है। चलो आओ हमारे साथ। शक्ल क्या देख रहे? चलो घर में जा, काम करो, सब काम करो। जर्मीने, अस्पताल खुलवा लिया?
जरमीने, तेरे लिए बुरी खबर है। क्या हुआ? तेरी बहन अल्लाह को प्यारी हो गई और तुझे उसका मुंह देखने की भी इजाजत नहीं। और हाँ, गांव मत आना, ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारा बच्चा पोलियो की वजह से नहीं चल पाता तो सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। तुम्हें तब हमारा याद आएगा। देखा दिलावर खान, हम आ गया, तुम हार गए।